स्टूडेंट्स वेलकम टू द वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट टू ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव यानी ये भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में हो रहा है ठीक है अब ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है तो आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है और कैसे हो रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देर आर मेनी प्लांट्स

ठीक है एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है फ्लार ठीक है फ्लार इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट क्या है स्टेम रूट लीफ ये सब क्या है वेजिटेटिव पार्ट ये क्या है वेजिटेटिव पार्ट ठीक है तो इनमें से अगर किसी भी पार्ट से नया प्लांट बन रहा है या न्यू प्लांट इज अराइजिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज पार्ट्स देन सच अ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट्स अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्यों ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहला रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमिट नहीं बन रहा है गैमीट्स आर नॉट फॉर्म ओके गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कोई भी फर्टिलाइजेशन अब भाई गैमीट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है ठीक है अब आइए देखिए अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स प्लांट्स कैन इंड्यूड यूज सच अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है कि वो अपने हाथों से नया ऑर्गेनिज्म बना दें या अपने पैरों से नया ऑर्गैनिज्म बना दें बट प्लांट्स में ये पॉसिबल है दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग हम आगे डिस्कस करेंगे टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन रोज और ग्रेप्स नाउ प्लांट्स रेज बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दो प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स देखो सीड को बेटा जर्मिनेट करने में टाइम लगेगा उसको डॉर्मेंसी ओवरकम करना पड़ेगा ठीक यहाँ एक ऑलरेडी ग्रोन प्लांट है उसी प्लांट के एक पार्ट से नया प्लांट बन जा रहा है तो यहाँ कोई जर्मिनेशन या डोरमेंसी को ओवरकम करने वाली बात नहीं है तो यहाँ पे इसलिए ग्रोथ जो है वो जल्दी दिखाई देगी आपको सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना ऑरेंज रोज एंड जैजमिन दैट हैव लॉस्ट द कपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स सी बनाना इज सीडलेस ऑरेंज इज हैविंग नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स उन सीड्स वो सीड्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे रोज भी जैस्मिन भी ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो सीडलेस हैं ठीक है तो दे हैव लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स सो वी कैन ग्रो सच प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अनदर एडवांटेज इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस अ जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सी तो इफ़ यू हैव अ हेल्दी पेरेंट प्लांट एंड यू वांट ऑल द प्लांट्स टू बी लाइक दैट यू कैन ग्रो

प्रोपोग्यूल्स मतलब क्या है प्रोपोग्यूल्स क्या है स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब इसका क्या मतलब है क्या मतलब है इसका इन्वॉल्व मतलब क्या जिस स्ट्रक्चर से नया पौधा बन रहा है वो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है जैसे स्टेम से नया पौधा बन रहा है तो प्रोपोग्यूल क्या हो गया स्टेम रूट से बन रहा है तो क्या हो गया प्रोपोग्यूल रूट तो आइए देखा जाए सबसे पहला है मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट कई बार क्या होता है कि जो रूट है बेटा उसी रूट से न्यू प्लांट अराइज करता है और वो रूट कैसी मॉडिफाई होके हो जाती है ट्यूबरस मतलब ट्यूबर लाइक स्टोरेज ऑर्गन तो इसका एग्जाम्पल देखिए रूट के थ्रू अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है तो एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो ठीक है शकरकंद आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो ये जो है एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट यानी स्वीट पोटैटो में प्रोपोग्यूल क्या है रूट स्वीट पोटैटो का प्रोपोग्यूल क्या है रूट और ये यहाँ पे क्या हो जाता है ट्यूबरस जो मॉडिफाइड ट्यूबरस है ये स्टोरेज ऑर्गन हो गया है ठीक है स्टोरेज ऑर्गन यहाँ पे स्वीट पोटैटो इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो इस केस में रूट हैज बीन मॉडिफाइड टू बिकम अ ट्यूबरस स्ट्रक्चर एंड दैट इज गिविंग राइज टू न्यू प्लांट दैट इज मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट ठीक है अगला देखा जाए तो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स हैं अब स्टेम्स के ही मॉडिफिकेशन है अब ये जो पहला आपको डायग्राम दिख रहा है ये एग्जाम्पल है जो है ये जिंजर है ठीक है जिंजर और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो आ, बना रहा है मॉडिफाई होके स्टेम वो है राइजोम द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर दैट द स्टेम इज फॉर्मिंग इज राइजोम ठीक है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम जो है वो है राइजोम ठीक है तो ये राइजोम जो है बेटा ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है स्टेम वैसे तो जमीन के ऊपर उगता है पर ये स्टेम कहाँ चला गया ज़मीन के नीचे तो आपने देखा होगा अदरक में ये राइजोम राइजोमेटर स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर से आपको दिखते होंगे स्केल्स जो हम लोग अक्सर छील के निकाल देते हैं या धुलते समय हटा देते हैं ठीक बनाना का भी एग्जाम्पल जो है बनाना का भी वेजिटेटिव प्रोपोक्यूल क्या है राइजोम बनाना का भी वेजिटेटिव प्रोपोक्यूल क्या है राइजोम ठीक है तो राइजोम क्या है इट इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है राइजोम के जिंजर एंड बनाना ठीक है जिंजर एंड बनाना ठीक है अगला जो स्ट्रक्चर है ये है जो आपको दिख रहा है ये कहलाएगा कॉर्म क्या कहलाएगा कॉर्म ठीक है ये है कॉर्म फाइन कॉर्म भी बेटा एक तरीके का मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ही है और इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपने देखा होगा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है कॉलोकेशिया सुना है आपने तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कोलोकेशिया अरबी जो होता है ना बेटा वो तो ये भी इसमें आप देखा करिए हम लोग उसको खाते हैं एडिबल पार्ट क्या है द स्टेम वी आर ईटिंग द स्टेम ठीक है इन अदरक ऑल्सो वी आर ईटिंग द स्टेम फाइन तो एडिबल पार्ट इज दिस अब इसमें ग्रोथ के भी स्ट्रक्चर यही है ग्रो भी राइस अगर आपको अदरक उगाना है तो उसके राइजोम से उगाइए बनाना उगाना है तो उसके राइजोम्स उगाइए ठीक है ठेके? आपको कोलोकेशिया यानी गुया या अरबी जो है उगाना है तो आप जो है उसको क्या कहते हैं कौर्म से उगाइए ठीक है ठेके? तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड ये मतलब स्टेम के मॉडिफिकेशन है. वो स्टेम जो स्टेम की तरह ना रहकर मॉडिफाई होकर कुछ नया तरीका अपना अप, ग्रोथ का बनाते हैं और जमीन के अंदर उगने लगते हैं वो ये स्ट्रक्चर्स हैं तो राइजोम हो गया कॉर्म हो गया और देखा जाए तो ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे आ, ये स्ट्रक्चर जो है ये जो दिख रहा है ये है बल्ब बेटा ये है बल्ब ठीक है यहाँ पे जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है स्टेम का ही वो है बल्ब और इसके एग्जाम्पल जो है वो है अनियन ठीक है अनियन अनियन में आप देखिए हम लोग क्या खाते हैं वी ईट द बल्ब ऑफ द अनियन ठीक उसके अंदर फ्लैशी लीव्स होती हैं जो वो हम खाते हैं काट के वो पत्तियां हैं वो क्या है पत्तियां हैं फ्लैशी लीव्स हैं जूसी होती हैं है ना अनियन इज जूसी ऊपर की पत्तियां सूखे होती है जो ड्राई स्केली लीव्स होती हैं वो छील के हटा दिया जाता है कुक क्या किया जाता है फ्लैशी लीव को तो अनियन में बल्ब इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ये सब क्या है प्रोपोग्यूल है क्या है ये प्रोपोग्यूल स्टेम इज द प्रोपग्यूल विच हैज मॉडिफाइड टू बिकम बल्ब और ये बल्ब के एग्जाम्पल क्या है अनियन ये जो अगला आप देख रहे हैं ये है ट्यूबर ठीक है ये क्या है ट्यूबर अब ये तो बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है क्या है ये पोटैटो क्या है ये पोटैटो ये हमने देखा होगा और पोटैटो उगता कैसे है हा आलू आई ऑफ द ट्यूबर जैसे आलू है उसके ऊपर आप ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं ठीक और अक्सर बरसात वगैरह में आप छोड़ दिए आलू को तो थोड़े समय बाद आप देखते हैं इसमें से जड़ निकलने लगती है हल्की हल्की देखा है कभी आपने आप घरों में कभी देखिएगा या अपनी मदर से पूछेगा कि ये जो पोटैटोज रखे रहते हैं तो इसमें जो है आप देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स ग्रो करने लगते हैं है ना इसको बोला जाता है आई ऑफ द पोटैटो क्या बोला जाता है आय ऑफ द पोटैटो तो ये प्रोपोग्यूल यहाँ पे क्या है ट्यूबर तो हमें जब आलू की खेती करनी है तो हम क्या करेंगे हम आलू के उन टुकड़ों को काटेंगे जिसमें ये आई है ठीक है हम आलू के उन टुकड़ों को काटेंगे जिसमें ये आई प्रेजेंट है और इसको मिट्टी में गाड़ देंगे और ये आपका आलू तैयार हो जाएगा ठीक लेकिन मान लीजिए एक ऐसा आलू लिया हमने जिसमें कोई भी आई नहीं है और इसको बहुत बढ़िया आप काटिए ठीक खेतों में डालिए खाद वाद दीजिए पानी दीजिए क्या ये आलू उगेगा ये नहीं उगेगा क्योंकि इस पर इसका वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल यानी ट्यूबर है ही नहीं ठीक है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए क्या नेसेसरी है उसका प्रोपोग्यूल और ये आई ऑफ पोटैटो कहलाता है यानी ट्यूबर ठीक पोटैटो ट्यूबर ठीक है तो ये आप देखें अगर पोटैटो में आई है तो ही वो जर्मिनेट करेगा वरना वो नहीं करेगा अगर आए है तो वो जर्मिनेट करेगा एल्स इट विल नॉट जर्मिनेट ठीक ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि आप एक फार्मर थे रामलाल और उन्होंने जो है आ, आलू की खेती करने की सोची तो उन्होंने 10 आलू ऐसे लिए अब उन्होंने काटा है लेकिन उसमें उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई है उनको फसल जो मिली है जो आउटपुट ऑप्टेन हुआ है वो उतना हेल्दी आउटपुट नहीं है क्या रीजन हो सकता है इसका इसका मतलब ही डिड नॉट सेलेक्ट द राइट टाइप ऑफ पोटैटो ही डिड नॉट चूज द पोटेटोज विच हैड आई ऑन देम और द ट्यूबरस ग्रोथ ऑन देम दैट इज द रीजन वाई ही कुड नॉट हैव अ गुड ईल्ड फाइन सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट टू जर्मी ग्रो एंड गेट अ गुड क्रॉप ईल्ड ऑफ पोटैटो यू नीड टू चेक द पोटैटो बिफोर सोइंग दम ठीक है बोने से पहले आपको खेत में डालने से पहले देखना पड़ेगा कि पोटैटो में जो आप डालने जा रहे हैं मिट्टी में उस पोटैटो में आई है कि नहीं ट्यूबर है कि नहीं ठीक है अब इन सब में जो भी हमने पढ़ा कहीं पर भी फ्लावर का कोई रोल नहीं है सीधा स्टेम से ही ग्रोथ हो रही है स्टेम इन द फॉर्म ऑफ बल्ब से स्टेम इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर से स्टेम इन द फॉर्म ऑफ कॉर्म से स्टेम इन द फॉर्म ऑफ जो है आप देखें तो आ, ये जो हमने पढ़ा राइजोम से और जो रूट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबरस स्ट्रक्चर इन्हीं से ग्रोथ हो रही है तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हैं अभी स्टेम में ही अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है ये बेसिकली बेटा सब एरियल स्टेम्स के मॉडिफिकेशन है ठीक है ये सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन है ठीक है तो ये जैसे आप देखिए तो ये क्या है सब एरियल मतलब पार्शियली अबव द ग्राउंड ठीक है पार्शियली अबव द ग्राउंड बट नॉट स्टैंडिंग टॉल जमीन से ही लगे हुए हैं ठीक है ठीके? तो ये जो है बेटा ये है सकर ठीक है एक निक जोनस का गाना भी था सकर सकर यहां पे क्या है सकर का एग्जाम्पल है बेटा मिंट पुदीना ठीक है देखते हैं धनिया पुदीना सॉरी आपने लगे हुए कभी देखा है अक्सर उन एरियाज में कुएं के किनारे या नलों के पास या जहां पे पानी का ज्यादा सप्लाई अबंडेंट सप्लाई रहता है वहां पे पुदीना ज्यादा उगते हुए दिखता है आप देखिए कभी वो कैसा ग्रो करता है आपने देखा है वो बहुत छोटे हर्ब्स के फॉर्म में जमीन पे लगा रहता है उसकी स्टेम्स जो हैं अक्सर ग्राउंड uh, के साथ लेटी हुई रहती हैं खड़ी इरेक्ट नहीं होती हैं ठीक है थीके? और आप प्लग करिए तो ये जो आपको इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सकर दिस पार्ट बिटवीन द स्टेम्स इज सकर सब एरियल सकर ठीक मतलब डिरेक्टली ग्राउंड पे ना लग के कहाँ पर है ये बिटवीन द स्टेम ठीक है शकर हो गया ये जो अगला आपको दिख रहा है ये है ऑफसेट ठीक है इसका नाम क्या कहा जाएगा ऑफसेट ठीक है दिस विल बी नोन एज ऑफसेट और ये फोटो आप पहचान रहे होंगे आपने अगर ऐसे एरियाज में आप रहते हैं जहाँ पे नदियां हैं या वाटर बॉडीज हैं वहां आपने अक्सर लगे हुए देखा होगा बाढ़ वगैरह के मौसम में बहुत आते हैं जल कुंभी कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में आइकॉर्निया कहते हैं ठीक है या वाटर हाइसिंथ कहते हैं हम लोग ठीक है तो ये एग्जाम्पल है आइकॉर्निया का एग्जाम्पल है सॉरी ऑफसेट का एग्जाम्पल है आइकॉर्निया ठीक है आइकॉर्निया एक वाटर में उगने वाला पाया जाने वाला पौधा है ठीक है जो स्टेगनेंट वाटर में ना बहते हुए पानी में आपको मिलेगा तो ये देखिए यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो ये कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है फ्लोटिंग है ठीक है ये ऑफसेट कैसा दिखाई देगा ये ऑफसेट ये जैसे ठीक यहाँ से सारे रूट्स ऐसे लगे हुए हैं और यहाँ से कई सारे ऐसे ये एक आपका ये एक मेन स्टेम है ये रूट है और इस स्टेम से सब एरियल स्टेम्स खूब सारे निकले इस पे पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती फूल इस तरह से लगा होगा ठीक है तो ये ऑफसेट है बेटा ठीक है ये रूट हो गया ये इनका लेटा हुआ स्टेम हो गया और ये सब एरियल स्टेम्स हो गए ठीक है सब एरियल स्टेम बड़ी जल्दी फैलते हैं ये आइकॉर्निया देखिए ये बहुत तेजी से फैलने वाले हैं बंगाल में एक नदी है दामोदर नदी उसको जो है टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है आ, इस, इस इस इसकी वजह से जो है उस नदी को उस नदी में ये ज़्यादा खतरनाक पाया जाता है अच्छा ये जो है क्या करता है टेरर ऑफ़ बंगाल इसलिए कहलाता है कि नदियों के पानी को ढक लेता है पूरा कवर कर लेता है क्योंकि बहुत ही इन्वेसिव ग्रोइंग प्लांट है मतलब इट ग्रोज इन अ वेरी फास्ट वे बिकॉज इट हैज़ जस्ट अ प्रोपाग्यूल इट डज़ नॉट हैव टू ग्रो फ्रॉम अ सीड फाइन तो इट हैज़ अ सब एरियल प्रोपाग्यूल तो क्या होता है कि नदियों में बहुत तेजी से ग्रो करके फैल जाता है जिसके कारण नदी में अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उनको सनलाइट या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता जिसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो आइकॉर्निया इज नोन एज टेरर ऑफ बेंगाल ठीक है आइकॉर्निया को क्या बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है Bengal, यहाँ पे फाइन क्योंकि ये नदियों के पानी को जो बहता रुका हुआ पानी है उनको कवर कर लेता है ठीक है और अंदर रहने वाले जो जानवर हैं पौधे हैं उनको ऑक्सीजन या सनलाइट से डिप्राइव कर देता है अभी आखिरी जो एग्जाम्पल है बेटा ये है स्टोलन क्या है ये स्टोलन ठीक है स्टोलन ठीक ये स्टोलन का एग्जाम्पल जो देखेंगे हम लोग वो है स्ट्रॉबेरी ठीक है एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी की खेती देखी है आपने कभी नहीं देखिए अब ऐसे हम लोग जो है एग्रीकल्चरली डोमिनेंट कंट्री में रहते हैं वी मस्ट नो वी मस्ट लुक बियॉन्ड द बुक ओके वाई आर वी टॉर्ड दिस सी एन सी आर टी डन सो मेनी चेंजेज सी बी एस ई हैज़ मेड सो मेनी चेंजेज इन द ए टी

जो है ग्राउंड पे एक मेन स्टेम है उसके ऊपर से लगे हुए ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ऐसे ही एक और आता है जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है उसको कहते हैं रनर रनर ठीक है रनर जो है कभी आपने देखा होगा घास जो है आप अगर एक जगह से उखाड़े तो थोड़ी दूर तक की मिट्टी निकल आती है, है ना क्यों ऐसा है क्योंकि एक कॉमन जो है स्टेम है उसपे कई जगह एडवेंटिशियस रूट्स लगे हुए हैं ठीक है ठीके? और हर जगह जो है अपनी ऊपर घास लगी हुई है ठीक तो अगर आप मान लीजिए इसको उखाड़ते हैं तो ये दूर तक जाएगा जिसकी एक कॉमन स्टेम है ठीक है तो रनर भी एक एग्जाम्पल है इसमें तो क्या क्या हो गए बेटा स्टेम्स के एग्जाम्पल एक बार और देख लें, राइजोम हो गया राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर एंड बनाना है कॉर्म हो गया जिसका एग्ज़ाम्पल कोलोकेशिया है ठीक है उसके बाद बल्ब हो गया जिसका एग्ज़ाम्पल अनियन है ट्यूबर हो गया जिसका एग्जाम्पल पोटैटो है ठीक है और सब एरियल मॉडिफ सब एरियल मॉडिफिकेशनस ऑफ स्टेम है अंडरग्राउंड नहीं है ये सब एरियल हैं तो ये क्या हो गया सकर हो गया जिसका एग्ज़ाम्पल मिंट है ऑफसेट हो गया जिसका एग्जाम्पल आइकॉर्निया है स्टोलन हो गया जिसका एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है एक रनर हो गया जिसका एग्ज़ाम्पल ग्रास है ठीक है तो ये हो गया नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये तो स्टेम और रूट के थ्रू हो गए लीफ भी रिप्रोड्यूस करती है तो आइए देखें ये लीफ का जो मार्जिन है ये लीफ के मार्जिन पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है एडवेंटिशियस बर्ड्स ये क्या है एडवेंटिशियस बर्ड्स यानी बर्ड्स

पेरेंट लीव से डिटैच होकर सॉइल में गिर जाएगा एंड दिस बर्ड विल ग्रो इन टू प्लांट तो रिप्रोडक्शन कहां से हुआ लीफ से हुआ तो यहां पर प्रोपोग्यूल क्या है लीफ ठीक है एडवेंटिशियस बर्ड ऑन लीफ एग्जाम्पल इसका क्या हो गया ये किसकी लीफ है ब्रायोफिलम ठीक है ब्रायोफिलम ठीक है मार्जिन ऑफ द लीव पे ये बर्ड्स ग्रो करके जा रहे हैं और जब ये ग्रो हो जाएंगे एक सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑप्टेन कर लेंगे तो ये पेरेंट लीव से डिटैच होकर सॉइल में गिरेंगे वहीं आसपास एंड दे विल ग्रो इन टू अ न्यू ब्रायोफिलम प्लांट ठीक तो आप देखिए मॉडिफिकेशन भले चाहे जो भी रहे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व क्या कहते थे रूट स्टेम लीफ कहीं पर भी फ्लावर नहीं इन्वॉल्व हुआ तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व हुए हैं इन गिविंग राइस टू न्यू प्लांट्स इस मोड को क्या बोला गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं ये फॉर्म ऑफ ए रिप्रोडक्शन ही है सारे पेर जो ऑफस्प्रिंग्स स्प्रिंग्स ऑप्टेन हो रहे हैं वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर हैं ठीक है दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट तो इस वजह से हमें अवेयर रहना होगा कि इसमें जो है अब इसमें नुकसान भी है आगे हम लोग अभी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि अगर पेरेंट अनहेल्दी है तो आने वाली सारी ऑफ भी क्या होंगी अनहेल्दी ठीक है तो ये तो हो गया नेचुरल मेथड्स अब देखा जाए आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फाइन तो सबसे पहला जो है ये है कटिंग ठीक है सबसे पहला जो है ये है कटिंग ठीक कटिंग नॉर्मली हम किसी भी पौधे पे कर सकते हैं जैसे आप देखिए इस डायग्राम में देखें आप तो कट अ स्लैंट हमने जो है कोई भी प्लांट जो है सीधा नहीं कट करना स्लैंडिंग पोजीशन में कट करना है ठीक ताकि टाई करने में आसानी हो दूसरे पार्ट से ब्लेड से आपने काट लिया अच्छा आप ट्री को काट के नहीं ले आ जा सकते कि पता चले मोटा सा पेड़ का ट्रंक काट के और कटिंग करके ग्रा करने जा रहे नहीं ये देखिए आपने स्लैंटिंग वे में काटा इसको लेके गए और इस कटिंग को आपने जो है लगा दिया गमले में ठीक है इस कटिंग को आपने गमले में लगा दिया ठीक है तो अब ये जो है इट विल डेवलप विच रूट्स इट विल डेवलप दिस प्लांट विल डेवलप एडवेंटिशियस ठीक है एडवेंटिशियस रूट्स और ये जो है इट विल ग्रो इंटू अ न्यू प्लांट तो यहाँ पे सीड की कोई ज़रूरत पड़ी क्या नहीं आपने सीधा स्टेम को काटा पौधे को गमले में लगा दिया थोड़ा पानी वानी दिया कुछ दिनों बाद वो कटा हुआ पोर्शन जो है रूट्स पैदा करेगा उन रूट्स को क्या बोला जाएगा एडवेंटिशियस रूट्स एंड इट विल ग्रो इंटू अ न्यू प्लांट ओके इट विल ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट तो हम जो है ये काम ग्रेप्स के साथ कर सकते हैं ठीक एक पौधा होता है फालसा उसके साथ भी हम लोग ये काम कर सकते हैं ठीक वैसे तो कटिंग हम लोग किसी भी चीज़ की हम लोग रोज़ की भी कटिंग लगा सकते हैं ठीक है ठीके? कहीं से गए रोज़ की कटिंग लेकर आ गए मनी प्लांट के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं ठीक है गए ले आके लगा दिया थोड़ा सा लग जाएगा ठीक तो उसमें हमें बीज की ज़रूरत नहीं है हम इन सब पौधों के साथ कटिंग का कार्यक्रम कर सकते हैं ठीक है ठीके? कटिंग में कुछ नहीं करना है ब्लेड से स्लैंटिंग पोजिशन में किसी भी टेंडर पार्ट ऑफ द स्टेम को कट करना है उसको गमले में लगा देना है कुछ दिनों बाद आप एडवेंटिशियस रूट्स का ग्रोथ देखेंगे एंड इट विल डेवलप इनटू अ फुल ग्रोन प्लांट फाइन ये हो गया कटिंग ठीक है चलिए अब अगला जो है आर्टिफिशियल मेथड वो देखते हैं लेयरिंग बेटा इसमें क्या होता है देखिए दो तरीके से लेयरिंग की जा रही है एक है सिंपल लेयरिंग एक है माउंट लेयरिंग एक और तरीका होता है एरियल लेयरिंग वो भी आपको बताऊंगी देखिए सिंपल लेयरिंग में क्या किया गया एक ऐसा प्लांट लिया गया जिसकी ब्रांच अभी फ्लेक्सिबल है मतलब जिसको बेंड किया जा सकता है बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग ध्यान दीजिएगा बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग तो स्टेम को बेंड कर दिया गया उसका एक पोर्शन जो है स्टेम का सॉइल के अंदर डाल दिया गया और एक पोर्शन जो है सॉइल के ऊपर रखा गया सॉइल के अंदर जो पोर्शन डाला गया इसमें से बेटा थोड़े दिनों बाद इसमें पानी वानी डाला गया ठीक है इसको प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करा गया ठीक है अब यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आप देखोगे क्या ग्रो करने लगेंगे एडवेंटिशियस ठीक है एडवेंटिशियस रूट्स ठीक जब ये एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाए तो आप यहाँ से कट लगाइए और इसको नए जगह मिट्टी पे डाल दीजिए ये नया पौधा तैयार हो गया सिंपल लेयरिंग सिंपल लेयरिंग किस किस पौधों पे किया जा सकता है वैसे तो कई पे किया जा सकता है लेकिन एग्जाम्पल जैसमिन ठीक है या चेरी में आप सिंपल लेयरिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं जैस्मिन या चेरी में ठीक है जो दूसरा है माउंट लेयरिंग इसमें क्या किया जाता है एक प्लांट का जो शूट है उसकी प्रूनिंग कर दी जाती है छटाई कर दी जाती है ठीक है प्रूनिंग कर दिया गया प्रूनिंग करने के बाद जो है उसको माउंट के जैसे कवर कर दिया गया ठीक है माउंट के जैसे कवर कर दिया गया इतना प्रून कर दिया गया था अब आप देखोगे यहाँ से नए शूट जो है वो ग्रो करेंगे क्योंकि प्रूनिंग की गई है थोड़े दिनों बाद हर शूट जो माउंड के अंदर दबाए गए हैं हर शूट का अपना खुद का रूट ग्रो करेगा जैसे आप इसमें देख सकते हो अब आप हर शूट को हर ये शूट के पार्ट को कट करके अलग पौधों की तरह ग्रो कराइए मेन पौधा फिर भी ग्रो करेगा ये आगे ग्रो कर जाएगा ठीक है तो माउंट लेयरिंग में आपने क्या किया प्रूनिंग करने के बाद शूट को मिट्टी से कवर कर दिया गया जो न्यू ग्रोइंग शूट थे हर शूट का अपना इंडिविजुअल एडवेंटिशियस रूट डेवलप हुआ ठीक एंड देन आप कट करिए और उनको नई जगहों पे सॉइल में लगा दीजिए माउंट लेयरिंग के एग्जाम्पल बेटा एप्पल है ठीक है पियर है एंड करेंट है ठीक है एप्पल पियर एंड करेंट ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनकी माउंट लेयरिंग की जा सकती है एक और तरीके की लेयरिंग है वो है एरियल लेयरिंग ये सबसे एडवांस तरीका है अब देखिए ये वो सारे पौधे हैं जो अभी यंग हैं जो हर्बेशियस हैं आ, जो आप देखिए तो वो श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं ऐसे हैं ठीक है एरियल्स लेयरिंग जो है वो ट्रीज में करी जा सकती है जहाँ पे बार्क जो है वो स्ट्रांग हो गया है तो जैसे मान लीजिए ये ट्री है ठीक ग्रीन कलर यूज़ करती हूँ मैं ठीक है और ये इस ट्री की एक ब्रांच है ठीक है अब क्या करेंगे इसके ब्रांच के ऊपर का एक हिस्सा जो है स्क्रैप कर देंगे छील के निकाल देंगे उस पर का आउटर बार्क छील के निकाल दिया फिर इसको जो है हम लोग क्ले से कवर कर देंगे ठीक क्ले से हम लोग कवर कर देंगे ठीक है मड क्ले फिर इसके ऊपर हम लोग कॉटन बैंडेज बांध देंगे ठीक है कॉटन बैंडेज बांध दिया ठीक है ताकि ये जो है सील्ड हो जाए अब क्या है इसकी ऊपर वाली एक स्टेम पे हम लोग एक घड़ा बांध देंगे और उस घड़े को इस पर लटका देंगे उस घड़े में छेद कर देंगे और उसमें पानी भर देंगे उसमें धीरे धीरे पानी जो है इस हिस्से पे टपकता रहेगा टपकेगा दिन भर गीला होगा और यहाँ पे जो है कुछ दिनों बाद आप देखोगे इस हिस्से से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करेंगे हो गए रूट्स अराइज कट करिए लगाइए ठीक है आपका नया पौधा तैयार है तो एरियल क्या किया गया आपने ट्री के ही एक स्टेम को स्क्रैप कर लिया उसके ऊपर के एक स्टेम में आपने घड़ा बांध दिया उस घड़े के अंदर पानी भर दिया और छेद कर दिया दिन भर उस क्रैप्ड पोर्शन पे वो टपानी टपकता रहेगा जिसकी वजह से वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स की ग्रोथ होगी ठीक है और कुछ दिनों बाद आप जो है इसको कट करके नए पौधे के फॉर्म में लगाइए अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए हम जो है ऐसे गुआवा उगा सकते हैं लीची उगा सकते हैं ठीक है ठीके? ये सब चीज़ें जो है हम लोग इससे ग्रो कर सकते हैं ठीक है ठीके? एरियल लेयरिंग से तो ये सब लेयरिंग के टाइप्स हो गए ठीक है अब अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो वो है ग्राफ्टिंग ठीक है ये है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में क्या किया आपने जैसे मान लीजिए आपने दो पौधे सिलेक्ट किए जैसे ये एक आपको दिख रहा है ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट अलग है दूसरा दो प्लांट आपने सिलेक्ट किए ठीक जिसका आपने रूट सिस्टम रखा उस पार्ट को आपने बोला स्टॉक और जिसका आपने रूट सिस्टम हटा दिया उसको बोला साइकिल ठीक है स्टॉक एंड साइकन आपने ऑब्लिक कट्स दिए ठीक है ओब्लिकली कट किया जैसे ये स्टॉक है ठीक है और इसी तरह इसके ऊपर हमने साइकन भी जो है इसके दूसरे हाफ के ऑब्लिक में काट लिया ऐसे ठीक आप इनको ज्वाइन कर दीजिए और एक पीस ऑफ क्लॉथ से टाई कर दीजिए ठीक दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे से जब मिलेंगे तो यहाँ पे किसकी ग्रोथ होगी कैम्बियम की ठीक है यानी न्यू सेल्स विल बी फॉर्म ठीक है when the cambium of both the stock and the scion will meet new cells will be formed अब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि यहाँ पे बढ़िया पौधे का जो भी फ्लावर्स वगैरह आना है वो आएगा ठीक है ग्राफ्टिंग में फाइन तो जो है ये ग्राफ्टिंग में आ, जो है ये हम लोग जो है एग्जांपल इसका ले सकते हैं रोज हम रोज में करते हैं ठीक है और ये ग्राफ्टिंग जो है Uh, बहुत सारे पौधों में भी किया जा सकता है जैसे हम लोग जो है ड्वार वेराइटी जो लेते हैं बॉन्साई बनाते हैं बॉन्साए के भी हम लोग कर सकते हैं बॉन्साई यानी जो छोटे पौधे हैं ठीक है फाइन तो ग्राफ्ट में क्या है जो निचला हिस्सा है वो है स्टॉक और जो ऊपर का हिस्सा है वो है साइकिल स्टॉक और साइकिल अलग अलग पेरेंट से लीजिए ठीक है उनको साथ में टाई कर दीजिए वहाँ पे दोनों की कैम्बियम जब मिलेंगी तो बनेंगे न्यू सेल्स एंड इट बोथ ऑफ देम विल जॉइन टू फॉर्म वन सेम स्टेम

हम ये काटते हैं और मिट्टी में लगाते हैं है ना तो जिस पार्ट में ये से, ये है ये इसको नोड कहते हैं इसको क्या कहते हैं नोड ठीक है ठीक तो जिस पार्ट में गन्ने के पार्ट में नोड है वही पार्ट जो है वो सॉइल में जर्मिनेट करेगा वही जर्मिनेट नहीं ग्रो करेगा ठीक है मान लीजिए आपने शुगर केन लगाया ये डायग्राम है शुगर केन का ठीक और फार्मर ने ये काट के दो हिस्से बनाए अब बताओ कितने शुगर केन के पौधे आएंगे एक ही आएगा क्योंकि एक ही में नोड्स है दूसरे वाले में नोड है ही नहीं ये दूसरा हिस्सा है इसमें कोई नोड नहीं है बिना नोड के कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी और नया शुगर केन का प्लांट नहीं आएगा ठीक तो शुगर केन ऑल्सो ग्रोज बाय वेजिटेटिव मीन्स ओनली ठीक है नोड से ग्रो करते हैं ये भी नोड भी वेजिटेटिव पार्ट है स्टेम का ही पार्ट है फाइन चलिए अब आखिरी टाइप जो है वो देख लेते हैं वो है माइक्रो प्रोपोगेशन या टिशू कल्चर ये लैब टेक्निक है ये एडवांस टेक्निक है हम क्या करते हैं टिशू सैंपल जो है हम पेरेंट प्लांट से स्क्रैप कर लेते हैं और जनरली हम लोग कहाँ से लेते हैं टिप ऑफ द प्लांट से टिप ऑफ द प्लांट से ठीक है टिप ऑफ द प्लांट से क्यों लेते हैं क्योंकि टिप पे कौन सा टिशू है मेरिस्टमैटिक टिशू कौन सा टिशू है मेरिस्टमैटिक टिशू और मेरिस्मैटिक टिश्यू बेटा since वो actively dividing है, तो वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होता है ठीक है फ्री फ्रॉम तो इन्फेक्शन क्योंकि टिश्यू कल्चर के लिए सैंपल हमेशा कहां से लिया जाएगा टिप ऑफ द्लांट से ठीक है टिप ऑफ द्लांट में मेरिस्मैटिक टिश्यू है मेरिस्मैटिक टिश्यू इज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ठीक तो टिप आपने ले लिया टिप से आपने टिश्यू निकाल लिया टिश्यू को आपने अगार मीडियम अगार मीडियम कहां से आता है बेटा जो है एल्गे से ऑप्टेन किया जाता है अगार इज ऑप्टेंड फ्रॉम एल्गे ठीक है फाइन और इस एल्गे के मीडियम में हमने डाल के टिश्यू को रख दिया उसमें कुछ हॉर्मोन्स भी डाले न्यूट्रिएंट्स भी डाले ऑक्सीजन डाला क्योंकि ऑक्सीजन एक ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन है ठीक है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है uh, क्या कहते हैं उस पर आप जाके देख सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से उसमें आप ऑक्सीजन का रोल देख सकते हैं अब हमने इस न्यूट्रिएंट मीडियम में टिश्यू वगैरह को डाल दिया ठीक ये टिश्यू जो है बेटा कुछ समय तक ग्रो करेंगे फिर जो है ये डिफरेंशिएट करेंगे अपने अपना डिवाइड करेंगे नंबर बढ़ाएंगे फिर ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे डिफरेंशिएट मतलब स्पेशलाइज टू परफॉर्म देयर फंक्शन ठीक कोई पैरन पर, कायमा बन जाएगा कोई स्क्लेरन कायमा बन जाएगा कोई कॉलन कायमा बन जाएगा एंड देन दे विल स्टार्ट टू डेवलप टाइनी इनटू टाइनी प्लांटलेट्स छोटे छोटे प्लांटलेट्स की ग्रोथ होगी इन प्लांटलेट्स को पहले जो है लैब की ही नर्सरी में ग्रो करा जाएगा ठीक है लैब में ही ग्रो करा जाएगा फिर उठा के बाहर की नर्सरी में डाला जाएगा देखने के लिए कि ये क्या वहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं सक्सेसफुल है कि नहीं देखिए वाइल्ड में ग्रो करते हुए पौधे और लैब में क्रिएट किए हुए पौधों में डिफरेंस है जो वाइल्ड में ग्रो कर रहा है वो नेचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है बीमारियों को झेलने की रेजिस्टेंस बहुत है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी बहुत है लेकिन लैब में ग्रो किए हुए पौधे को इतने सारे ए बायोटिक बायोटिक स्ट्रेसेस की अभी आदत नहीं है तो ज़्यादातर पौधे जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं ठीक तो इसके लिए पहले उनको तैयार किया जाता है एकदम से नहीं वाइल्ड में डाल दिया जाता है वाइल्ड यहाँ पर ये नहीं कि जंगल खेतों में इसको पहले लैब में ही ग्रो किया जाता है लैब से नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है नर्सरी से फिर जो है फील्ड में शिफ्ट किया जाता है ठीक तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम कोई भी प्लांट प्रोपोगेट कर सकते हैं क्या क्या स्टेप है कलेक्ट द टिश्यू सैंपल फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम वेयर विच पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट क्योंकि टिप पे मेरिसमेटिक टिश्यू है वो एक्टिवली डिवाइडिंग है तो वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहता है फिर आप इस टिश्यू को सैंपल को जो है आ, लैब में पेट्री डिश में डालिए ये जो डिश है इसको पेट्री डिश कहते हैं ठीक है ग्लास डिश होती है ठीक है और इस में इस पेट्री डिश में आप न्यूट्रिय मीडियम डालिए अगार को भी डालिए अगार जो है वो एल्गे से ऑप्टेन होता है और उसमें ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन ऑक्जेंट डालिए कुछ समय बाद आप देखेंगे टिश्यू जो है अपना नंबर डिवाइड करके बढ़ाएंगे फिर वो स्पेशलाइज हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एंड देन दे विल ग्रो इन टू टाइनी प्लांटलेट्स देन शिफ्ट द प्लांटलेट्स इन टू कम्पोज दैन नर्सरी एंड देन इन टू फील्ड फाइन तो ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने देखा नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मैथड अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं आइए उससे पहले देख लिया जाए एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम में आ सकता है लिखने को ठीक है तो पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है The desirable characters of the plant can be preserved through generation by vegetative reproduction. अगर आपको कोई character plant का अच्छा है लग रहा है, तो आप उसको mixing में lost ना होने दें, उसको preserve करके रखना चाहते हैं, तो vegetatively grow कराइए। It is the only method of multiplication in seedless uh, seedless plants like rose, sugar cane, banana, grapes, jasmine, etc. और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनके पास seed नहीं है ना? Seed नहीं है, तो कहाँ से grow करेंगे? Through cutting and grafting methods. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्टर टाइम एज कंपेयर टू प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स इसमें ग्रोथ पीरियड भी जो है छोटा है तो इसलिए साल में जल्दी जल्दी फार्मर को अपने प्रोड्यूस ऑप्टेन हो जाएंगे ठीक है इट इज़ चीपर ईजियर एंड मोर रैपिड मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन क्योंकि सीड्स खरीदने का झंझट नहीं सीड बोने का झंझट नहीं खेत को तैयार करके फर्टिलाइजर डालने की भी ज़रूरत नहीं है द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स और प्रोड्यूस बाइबल की स्पेलिंग ये होगी वाइबल सीड्स और प्रोड्यूस वेरी फ्यू सीड्स कैन बी रिप्रोड्यूस बाई दिस मेथड अगेन फॉर एग्जाम्पल बनाना पोटैटो सीडलेस ग्रेप्स शुगर केन रोज ऑरेंज एक्सेट्रा प्लांट्स रेज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम सिंगल पेरेंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ठीक ये एडवांटेज है और ये डिसएडवाटेज भी है ये लिमिटेशन है प्लांट्स प्रोड्यूस बाई दिस टेक्निक पोजेज लेस वेगर जैसे मैंने आपको बताया वाइल्ड में उगने वाले पौधों को ज्यादा आदत है जो सीड्स के थ्रू आते, आते हैं वो ज्यादा वेरिएशन लेके आते हैं विगर मतलब स्ट्रेंथ ठीक है दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेज ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि सब सेम है ना अगर एक में इन्फेक्शन होगा तो सब में इन्फेक्शन होगा एक आ, जो है अफेक्ट होगा ड्रॉट से तो सारे अफेक्ट होंगे ड्रॉट से क्योंकि वेरिएशन नहीं है तो दे शो नो जेनेटिक वेरिएशन अब यही अभी एडवांटेज यह, भी था और ये डिसएडवांटेज भी है लिमिटेशन है लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज ठीक है डिसएडवांटेज तो अगर आप देखें तो एडवांटेज ये है कि भाई जब आप कैरेक्टर प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो वो एडवांटेज है और जब आप चाहते हैं कि बहुत वेरिएशन हो तभी तो वो और डिजीजे वगैरह से फाइट करने के लिए सक्षम हो जाए केपेबल हो तो उस केस में ये लिमिटेशन बन जाता है ठीक है तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस इसपे बेस्ड न वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम रूट फ्लावर फ्लावर आ गया तो गलत है इस ऑप्शन में भी फ्लावर आ गया तो गलत है ठीक है इस ऑप्शन में भी फ्लावर आ गया तो गलत है तो करेक्ट क्या बचा बी ठीक क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक which grown, advantage है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है नॉट एन एडवांटेज ठीक प्लांट विच प्रोड्यूस नॉन वाइबल सीड्स कैन बी ग्रोन ये एडवांटेज है इट इज इजियर मेथड देन सोइंग सीड ये भी एडवांटेज है सच प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम अदर मेथड्स ठीक है इट इज द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक ट्रेड इन स्पीशीज नहीं ये तो पेरेंट जैसे ही हैं तो नॉट एन एडवांटेज ये है ठीक है प्लांट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ठीक है वॉट आर द डिजायड वी कैन डू इट बाय विच मेथड वी कैन ऑबटेन डिजायर्ड क्वालिटीज बाय ग्राफ्टिंग ठीक है क्योंकि आपने दो प्लांट्स को मिक्स किया ना कटिंग में दो प्लांट मिक्स हो रहे हैं ना लेयरिंग में दो प्लांट मिक्स हो रहे हैं दो प्लांट स्टॉक और साइकिल अलग अलग प्लांट से बनाए थे तो आप अगर दोनों प्लांट की डिजायरेबल क्वालिटीज अपने एक पौधे में लाना चाहते हैं तो वो आप ग्राफ्टिंग से बनाइए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन वॉट मे, वॉट मेथड विल यू यूज फॉर ग्रोइंग जैसमिन एंड रोज जैसमिन के लिए क्या था सिंपल लेयरिंग ठीक है और रोज के लिए क्या है रोज के लिए कटिंग भी है आप कटिंग भी लिख सकते हैं बेटा और ग्राफ्टिंग भी लिख सकते हैं ठीक है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग फाइन ना एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर टोमेटो ओकरा अनियन कॉलीफ्लावर देखो टोमेटो ओकरा ओकरा यानी भिंडी और कॉलीफ्लावर ये सब जो है सीड से आ रहे हैं ठीक है पोटैटो जिंजर अनियन शुगर केन ये जो हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हैं पोटैटो बाय ट्यूबर स्टेम जिंजर बाय राइजोम स्टेम अनियन बाय बल्ब स्टेम शुगर केन ऑल्सो बाय नोड स्टेम ठीक है stem, stem, by, uh, stem, stem, तो ये क्या हो गए वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स फाइन तो ये वीडियो में बेटा इतना ही ठीक है अगले पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं कौन से मेथड से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर तक और डेवलप होकर क्या बना रहे हैं ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए आप इतने पोर्शन को एन से पढ़िए इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो हमने अभी डिस्कस भी किए कि फार्मर जो है ये सो कर रहा है और क्या वो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहा है कि नहीं और भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे तो और क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर लगाइए और देखते रहिए हमारे चैनल को थैंक यू